वो लोग जो बाहरी रियासतों या बाहरी अजला से जो शादी करके आते हैं, बिल्कुल हम बात करेंगे जो यहाँ से मजदूरी करने की घर से, चाहे मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें, वहाँ पे अपनी मजदूरी करने की घर से जाते हैं और वहाँ किसी के झांसे में आ जाते हैं जिन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ पे उनकी शादी के लिए जो बेहतर यहाँ पे ख़ानदान मिलेगा या उनकी शादी करने के लिए यहाँ पे उनके अखराजात काम हो गए और इसी लालच में आकर वो वहाँ पे जो है शादी करके वहाँ से जो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उसके बरक्स देखने को मिलता है, जिस तरह से आज जिला पुंछ में भी एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ। दरअसल सरल गांव का रहने वाला एक नौजवान जिसने आज से 5 महीने पहले जो पुणे से शादी करके लाया था और यहाँ पे अच्छा खासा उसका घर बार चल रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें झांसा देकर फरार हो जाएगी। पिछले 3 दिन से लगातार जो है इस नौजवान की घरवाली ना ही इसके घर से पैसे लेकर फरार है, बल्कि इसके चाचा की एक छोटी 5 साल बच्ची को भी लेकर फरार है, जिसको तलाश करने के लिए ये लगातार काफ़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने काफ़ी जो है उसकी तस्वीर वायरल की और उसी के साथ नज़दीकी जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता मालूम नहीं हुआ है। आज इस नौजवान ने तमाम आवाम के सामने आकर अपने जो बयानात है वो सामने रखने की जो ख्वाहिश रखी है और इस नौजवान का क्या कहना है और ख़ास करके किस तरह से जो है इस नौजवान ने शादी की थी और शादी करने के बाद कितने अरसा तक ये आपस में घुले मिले रहे और कितना अरसा हो चुका है कि वो घर से गायब है और कितनी परेशानियों और दिक्कत का वो सामना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आइए हम उसी नौजवान से बात करते हैं। मेरा नाम जुल्फकार है सर, मैंने पूना से शादी करके 5 महीने हुए हैं शादी करके मैं आया हूँ। सर शादी को 5 महीने हुए हैं, मैं अच्छे तरीके से रह रहे थे, हमारी जो मेरी वाइफ है वो भी अच्छे तरीके से रहती थी, कोई झगड़ा नहीं कोई कुछ नहीं। जो अचानक ही वो 3 दिन से गायब हो गई, घर से गायब हो चुकी है, और जो मेरे अंकल की लड़की है 5 साल की है, छोटी बच्ची है, उसको भी साथ में लेके गायब हो चुकी है सर। वो हमने पुलिस स्टेशन मीडिया पे आगे पीछे जांच पड़ताल की तो नहीं मिली। सर अगर किसी को भी मालूम चले, अगर किसी को भी कोई मालूम हो तो इस स्क्रीन पे नंबर जो दिया है इस पे कॉल करें और इस पे अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आप कर सकते हो। अगर सर जो मैं अपने नौजवान जो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ जो बाहर से शादी करके आएंगे वो सर सोच समझ के करना। मैंने धोखा खाया है सर, मेरे को मालूम है सर, ये और धोखा ना खाएं सर। मेरी आपसे यही विनती है कि जो बाहर से शादी करके आते हैं वो सोच समझ के करें। सर 20,000 रुपया लेके गई है एक बच्ची छोटी, मेरे अंकल की बेटी है, वो छोटी 5 साल की बच्ची है, उसको भी लेके साथ में गायब हो चुकी है सर। सर 3 दिन हुए सर आगे पीछे सब जगह, जम्मू सब जगह तलाश की नहीं मिली सर।